हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है स्थिर विद्युत की, उसका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ये लास्ट चैप्टर है विद्युत, स्थिर विद्युत की का। इसमें हमने विद्युत धारिता जो है उसको पढ़ लिया कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। फिर विद्युत धारिता के बाद हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा, कल जो प्रीवियस मेरा वीडियो है आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लें। जो आपके पास संधारित्र है उसका सिद्धांत हमने पढ़ लिया। फिर हम पढ़ रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करें और आपको बताएं कि जो आपका 12th का जो सिलेबस है उसमें विद्युत धारिता में जो समांतर प्लेट संधारित्र है, संधारित्र मैंने कल 3 बताए थे आपको। पहला जो संधारित्र था वो संधारित्र आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा आपके पास है गोलीय संधारित्र, और तीसरा आपके पास है बेलनाकार संधारित्र। लेकिन 12th के सिलेबस में हमारे पास 2 ही संधारित्र हैं, तीसरा जो बेलनाकार संधारित्र वो नहीं है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र है और दूसरा है गोलीय संधारित्र, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे 4 टॉपिक बनते हैं। पहला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट की थी। उसके बाद अगला है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य हम अलग अलग माध्यम और अलग अलग मोटाई के माध्यम लगाएंगे, परावैद्युतांक भी उनका अलग अलग होगा और मोटाई भी अलग अलग होगी, ठीक है, तो उसकी धारिता क्या होगी। तो इस तरह से मिलकर इसके 4 टॉपिक बनेंगे। एक तो वायवीय निर्वात के लिए, दूसरा हमारे पास बनेगा कि कोई भी स्लैब रखेंगे जिसकी मोटाई और परावैद्युतांक होगा, फिर उसके अलग अलग परावैद्युतांक और अलग अलग मोटाई के जो माध्यम है वो दोनों प्लेटों के मध्य लगाएंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसको। हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर माध्यम उपस्थित हो, ठीक है। अगर माध्यम उपस्थित है तो भाई क्या कहानी बनेगी, उस कहानी को समझते हैं। तो भाई हमारे पास संधारित्र का सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, तो संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम बनाते हैं। तो दोनों प्लेटों के मध्य आप सबको पता है कि दूरी हम मानते थे, कितनी मानी थी बेटा ध्यान है क्या, हमने दूरी को कैलकुलेट किया था, सॉरी माना था कि ये दूरी दोनों के बीच कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है। और इस प्लेट पर पहले से ही एक आवेश उपस्थित था और वो आवेश था धनात्मक, और इस प्लेट को हमने नाम दिया था P1, क्लियर। ये दूसरी प्लेट है, इस पर, इस प्लेट का नाम P2 है, और इस पर प्रेरण द्वारा एक आवेश आ गया था जिसको हमने बोला था, क्योंकि प्रेरण से जो भी आवेश आता है वो विपरीत प्रकृति का होता है, ये हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ प्लस का आवेश है, इसके प्रेरण द्वारा उस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश आया है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें इसको समझ लिया था अच्छे से, इसके सिद्धांत को संधारित्र के, ठीक है। अब देखिए, अगर इन दोनों प्लेटों के मध्य ये कह रहा है कि संपूर्ण, यानी कि दोनों प्लेटों के मध्य कहीं पर भी एयर नहीं है, और संपूर्ण माध्यम अगर यहाँ पे फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए, ठीक है, संपूर्ण माध्यम भर दिया और माध्यम का परावैद्युतांक मान लिया एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक क्या मान लिया बेटा, एप्सिलॉन आर। देखो टॉपिक को ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जुड़े रहो आप मेरे साथ, है ना जी, जुड़े रहोगे, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा मेरी चैनल पे, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप क्या है, बीच में से वीडियो नहीं देखे, और वीडियो को स्टार्टिंग जो टॉपिक है, जो चैप्टर कहां से है वहां से समझे। तो माध्यम क्या ले लिया हमने, एप्सिलॉन आर। तो भाई मैंने एक कहानी आपको बताई थी, जो लोग मुझे लगातार देख रहे हैं वो समझते हैं कि स्थिर वैद्युतकी में आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत विभव है, और विद्युत विभव है तो विद्युत धारिता है, ठीक है। तो हमें जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद करनी है तो हमें जाना पड़ता था विभव पर। तो हम पहले विचार किस पे करते थे, विभव पे, कि समांतर प्लेट संधारित्र का विभव क्या होगा। तो पता चलता था कि जो प्लेटें हैं उनका विभव हमने कैलकुलेट नहीं किया है इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर है उनमें, लेकिन अगर
चाहिए और उससे पीछे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ई है यानी कि विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब अगर हम प्लेटों का ई ज्ञात कर लें, ठीक है, तो ई से हम वी ज्ञात कर सकते हैं। ई से क्या ज्ञात कर सकते हैं, वी, एक संबंध है ई और वी में, वो क्या था, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। उससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे बेटा, हम ज्ञात कर लेंगे यहां से वी, और वी से फिर हम ज्ञात कर लेंगे सी, और बी और सी का संबंध था कल हमने पढ़ा C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, बी का मान यहां रख देंगे तो C आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेटों के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, E, क्योंकि प्लेटों का विभव डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र है का उसने ज्ञात किया था, तो हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे भाई कि हम जानते हैं कि चालक प्लेट, कैसी प्लेट है ये, चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो थी आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन ये किसके लिए है बेटा, ये निर्वात के लिए। माध्यम में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, माध्यम में आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। E आ गया है, इसे हम भी ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, वापस लिखेंगे, हम जानते हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया इसको। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है E इनटू D, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से मान हम सेकंड में रख देते हैं, तो वही समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखने पर, आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू E का जो वैल्यू है ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा था आवेश घनत्व, सिग्मा क्या था, आवेश घनत्व। देखो चैप्टर जो है वीडियो मेरे तभी समझ में आएंगे जब आप स्टार्टिंग से चलोगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से इन बातों को क्लियर करते हुए आ रहा हूँ। स्थिर वैद्युतकी के शुरू से आप देखोगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वी क्या आ जाएगा बेटा, वी इज इक्वल टू सिग्मा की जगह वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहां से लिख देता हूं मैं, क्यू इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, और इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर फोर। बी आ गया है आपका, और मैंने कहा है कि आपका बी आ जाता है तो सी आ जाता है, तो हम सी कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, और इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। इक्वेशन जो फोर है, इस इक्वेशन फोर से वैल्यू इक्वेशन फाइव में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा सी इज इक्वल टू अपॉन और बी की वैल्यू क्यू इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहां से सी इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, ऊपर आ जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, कैसे ऊपर आया डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में क्यों आया बेटा, ये क्या है आपका डिवाइड है, डिवाइड में भी डिवाइड है इस वजह से, और अपॉन डी, ये आपके पास आ जाएगा। जब समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसकी दोनों प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से कहीं पर भी वायु उपस्थित नहीं हो तो आपके पास धारिता आ जाएगी, ठीक है। तो भाई इस तरह से, अच्छा एयर के लिए और माध्यम के लिए दोनों से देखें तो इतना सा फर्क है कि यहाँ परावैद्युतांक जो है वो रेड हो जाता है।
लंबाई में, ठीक है। एक बार पॉज करके आप चाहो तो इसको उतार सकते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूं दोबारा से। हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब क्या उपस्थित हो, माध्यम, यानी कि दोनों प्लेटों के मध्य कहीं पर भी एयर नहीं हो, कहीं पर भी निर्वात नहीं हो, वायु नहीं हो, संपूर्ण रूप से दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित हो, तो फिर धारिता याद करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है जो मुझे फर्स्ट चैप्टर से स्थिर विद्युतिकी के पहले चैप्टर से फॉलो कर रहे हैं वे जानते हैं कि सी तभी आएगा जब वी आएगा, और अगर किसी का वी नहीं है, विद्युत विभव नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र से आ जाएगा, और फिर विद्युत क्षेत्र से इसकी कैलकुलेशन की है, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। रफ कर देते हैं, दोनों प्लेटों के मध्य क्या रख दिया, कोई भी अध्रुवीय जो पदार्थ है वो रख देते हैं। देखो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य कोई भी परावैद्युत माध्यम हम रख देते हैं, परावैद्युत माध्यम रख देते हैं, परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो, तो भी उसकी जो धारिता है, विद्युत क्षेत्र है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, माध्यम उपस्थित हो, तो हम देखते हैं इसमें ध्यान से समझेंगे इसकी बेसिक को, ठीक है। तो भाई सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र हमने बनाया, ये समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट है जिस पर आवेश प्लस का है, और ये प्लेट का नाम दे दिया P1। इससे डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, ये डी दूरी पर कोई दूसरी प्लेट है जिस पे प्रेरण के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस का आवेश, ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, स्मॉल डी, ये प्लेट का नाम था P2। ध्यान रहे, ये आप सोच रहे होंगे कि प्लेट कैसे है, ये प्लेट देखो बेटा इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई, तो ब्लैक बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, ये इस साइड दिखेगा आपको, ठीक है ना भाई। चार्ज कहाँ है, यहाँ इस सरफेस पे, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेट में है, और हमारी प्लेट कहाँ रखी, इस तरह से, यानी कि वाई जेड में, वाई जेड में रखी है, इस वजह से ऐसी दिख रही है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें कोई भी हम परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, ठीक है, और अध्रुवीय पदार्थ वाला माध्यम भर दिया, तो देखो अध्रुवीय में क्या होता है, मैं थोड़ा सा अध्रुवीय और अध्रुवीय बताऊं आपको, मेरे प्रीवियस वीडियो में स्टार्टिंग यहीं से की थी। जो ध्रुवीय होते हैं उसमें क्या होता है, जो प्लस का चार्ज है ध्रुवीय में, और जो माइनस का चार्ज है, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, उनका जो द्रव्यमान केंद्र है आवेशों का वो संपाति नहीं होता, जबकि अध्रुवीय में वो क्या होता है, संपाति होता है। अध्रुवीय में प्लस का और माइनस का जो आवेश है उनका द्रव्यमान जो केंद्र है वो संपाति होता है, संपाति का मतलब एक ही उनका दोनों का केंद्र होता है, ठीक है। तो भाई हम अध्रुवीय माध्यम इसमें रखेंगे तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है दोनों प्लेटों के मध्य वो हम ले लेते हैं, पहले इसकी दिशा देखें विद्युत क्षेत्र की, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि बताइए, सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, प्लस से माइनस की, किधर होगी, प्लस से माइनस की। और जो विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा है दोनों प्लेटों के मध्य वो हम मान लेते हैं ये जीरो है, ठीक है। दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना है, ये जीरो। अब इस स्थिति में हम कैलकुलेशन करते हैं तो भाई हमारे पास सीधा सा है, ई जीरो इज इक्वल टू आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इससे वी ज्ञात कर लेते हैं और वी से सी ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई अध्रुवीय पदार्थ रखा है और अध्रुवीय रखने से इसके विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है, ध्यान रहे विद्युत क्षेत्र में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। चेक करते हैं कैसे, जैसे ही मान लीजिए आपने अध्रुवीय रखा, किसी विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय पदार्थ रखते हैं तो उसका प्लस और माइनस का जो द्रव्यमान केंद्र है वो विचलित होगा, और माइनस वाला जो द्रव्यमान केंद्र है वो तो प्लस वाले की तरफ और प्लस वाला माइनस वाले की तरफ, इस तरह से ये अध्रुवीय जो पदार्थ है वो टूट जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
यानी कि प्लस वाला जो आवेश है वो प्लेट के प्लस वाले आवेश से दूर हो जाएगा और माइनस वाला आवेश प्लेट के आवेश के पास आ जाएगा। ठीक है, माध्यम कैसा है ध्यान दें, माध्यम कैसा है, माध्यम है आपका अध्रुवीय, अध्रुवीय है तो प्लस और माइनस का द्रव्यमान केंद्र संपाती था, लेकिन विद्युत क्षेत्र लग रहा है या दोनों प्लेटों के मध्य, तो विद्युत क्षेत्र की वजह से उनके द्रव्यमान केंद्र विक्षिप्त होंगे यानी कि दूर दूर होंगे। तो कौन सा आवेश किधर जाएगा वो कौन तय करेगा, वो विद्युत बल तय करेगा। प्लस आवेश माइनस आवेश को आकर्षित करेगा और प्लस आवेश इधर वाला इस माइनस आवेश को आकर्षित करेगा। तो इस तरह से ये संरचना इसमें बन जाती है। ठीक है, तो भाई बात समझ में आएगा कुछ। तो इस तरह से माइनस और जो प्लस आवेश है वो इस तरह से टूट जाते हैं। और इस कहानी में भी अगर इधर देखें इस तरह की स्थिति बन जाती, प्लस तो इस प्लेट के इधर आ जाती है और माइनस इस तरफ आ जाती। ठीक है, आप देखो जो हमने माध्यम लगाया है उस माध्यम की वजह से भी क्या हो रहा है बेटा, माध्यम लगाने की वजह से जो अध्रुवीय माध्यम हमने भरा है तो अध्रुवीय माध्यम का भी तो कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि इसमें भी तो आवेश है। और इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा अध्रुवीय का, उसकी दिशा किधर होगी, मैं इससे बना देता हूं प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस सारे इधर है और माइनस इधर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी कि नहीं, इसके लिए अध्रुवीय जो माध्यम है परावैद्युतांक जो हमने भर रखा है इसके अंदर अध्रुवीय माध्यम का, अध्रुवीय पदार्थ का विद्युत क्षेत्र किधर होगा भाई, प्लेटों का समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसका तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस इधर जा रहा है, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास है जो माध्यम है उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर होगा, तो सारे माइनस आवेश जो है वो इधर इधर है और जो सारे प्लस के आवेश है वो सारे इधर है। ठीक है, उससे हुआ क्या, हुआ ये कि इसका विद्युत क्षेत्र जो है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर, तो इस वजह से विद्युत क्षेत्र आ गया इधर से इधर। तो ये जो आपका अध्रुवीय पदार्थ है उसका विद्युत क्षेत्र तो इधर है और प्लेटों का विद्युत क्षेत्र उधर है, और इस विद्युत क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं कि इसका नाम है ईपी। क्या नाम देते हैं बेटा, ईपी। ठीक है, तो भाई परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो दोनों प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र तो थोड़ा सा जो मुझे जानते हैं कि 11वीं में मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर दो सदिश, थोड़ा सा बेसिक समझ लें, दो सदिश क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, दो सदिशों का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, तो दो सदिश अगर एक ही रेखा पर है और एक दिशा में है तो उनका परिणामी हमेशा जुड़ता है। मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है तो दोनों का परिणामी ज्ञात करते हैं, तो हम लिखते हैं E=E1+E2। ठीक है, और अगर जो दो सदिश हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं और एक ही रेखा पर है, ध्यान रहे रेखा एक ही होनी चाहिए, कोण नहीं आना चाहिए, तो फिर मान लीजिए ये आपका E1 है और ये आपका E2 है, तो परिणामी निकालते हैं तो आपके पास आता है E1-E2। ठीक है, इसका मतलब एक बेसिक तैयार हो गई कि अगर दो सदिश कभी भी एक ही रेखा पर एक ही दिशा में होंगे तो हमेशा उनका परिणामी जुड़ता है, ऐड होगा, और अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी हमेशा घटता है। ठीक है, और अगर किसी कोण पर है दो सदिश, मान लीजिए एक सदिश E1 इधर है और E2 आपका यहां है मान लीजिए इस तरह से, तो इनका परिणामी दोनों के बीच से जाता है, परिणामी की दिशा किधर होगी, दोनों के बीच से जाएगा, और दोनों सदिशों के बीच माना E1 और E2 के बीच थीटा कोण है, तो E का जो सूत्र आपके पास आता था वो आता था E1 square plus E2 square
प्लस टू ई वन ई टू कोस थीटा। अगर थीटा एंगल पे है तो इस तरह से परिणाम निकालते हैं, और परिणामी की दिशा किधर होगी, दोनों के बीच होगी। बोला सर फिर इनकी परिणामी की दिशा किधर होगी, अगर इसकी बात करें तो दोनों एक ही दिशा में है तो परिणामी भी इसी दिशा में होगा। अब बात आएगी इनमें बताओ सर इसमें क्या होगा, ये दोनों तो विपरीत दिशा में है तो परिणामी जो आएगा उसकी दिशा किधर होगी। कहने का मतलब कि दोनों में से जो ज्यादा होगा, अगर ई वन विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो इसकी दिशा इधर होगी, और अगर ई टू विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो इसकी दिशा इधर होगी। जब दो सदिश विपरीत दिशा में है तो परिणामी में ध्यान रखना है जिसकी वैल्यू ज्यादा है दिशा भी उधर ही होगी, ठीक है। अच्छा ऐसे समझिए कि मुझे किसी ने कुछ बच्चे इधर और कुछ बच्चे इधर रस्सी से यहां से बांध के इधर खींच रहे, ठीक है। इनका बल, एक का बल इधर एक का बल इधर, और बल सदिश राशि, ठीक है। और मान लीजिए मैं इधर खींचक गया, इधर वाले बच्चों ने ज्यादा बल लगाया तो मैं इधर खींचक गया, इसका मतलब परिणामी बल की दिशा किधर है, परिणामी बल की दिशा इधर है। और दोनों का परिणामी क्या, दोनों बलों का, तो इन बच्चों ने जो बल लगाया है उसमें से इधर वाले बच्चों के बल को क्या करेंगे, घटा देंगे, परिणामी बल आ जाएगा, इतना बल वो ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप विद्युत क्षेत्र का परिणामी ज्ञात करते हैं तो ध्यान से समझेंगे कि भाई मान लेते हैं हमारे पास परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र वो ई है, ई इक्वल टू आपके पास क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे दोनों विद्युत क्षेत्र देख के बताइए, जो अध्रुवीय पदार्थ है उसका और दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में। तो दिख रहा है कि ये वाला विद्युत क्षेत्र तो इधर है और ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में तो परिणामी क्या होता है, घट जाता है। अब बात आती है कि भाई पहले किसको लिखें, ई वन माइनस ई टू लिखें, ई टू माइनस ई वन लिखें। इसके लिए मैंने बता दिया आपको, जो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो कम होगा वो बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा आवेश दे रखा है, तो प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका कितना है, ई जीरो, ठीक है। और जो अध्रुवीय पदार्थ है उसका विद्युत क्षेत्र है ई पी, तो उसको बाद में लिख देंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे अगर सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू E नॉट को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे ये सब तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे सिग्मा P क्यों लिखा इसको, क्योंकि ये जो आपके पास अब क्या बन गई, ध्रुवीय बन गए टूटने के बाद, जो ध्रुवीय पदार्थ है उसका ये आवेश घनत्व है, हाँ जी। तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो नहीं क्या। तो इसका मतलब माध्यम लगाने से अगर किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र पर अगर अपन माध्यम लगा देते हैं तो माध्यम लगाने से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका मान कम हो जाता है, दिख रहा है, कम हो जाता है। और कम अगर विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो समझते हैं बेटा, समझते हैं ध्यान से कि भाई E और B में संबंध था, तो E और B के संबंध से जो आपके पास B है वो और E है वो एक दूसरे के समानुपाती है, लेकिन अगर C की बात करें तो C जो है B के व्युत्क्रमानुपाती है, बोलो नहीं क्या। इसका मतलब तो ये हो गया भाई कि यहाँ जो C है वो व्युत्क्रमानुपाती है E और B के, तो माध्यम लगाने से E का मान भी कम होगा, कम हो रहा है, B का मान भी कम होगा, क्लियर है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, संबंध बता रहा है। तो फिर C क्या होगा, यानी कि विद्युत धारिता क्या होगा, विभव भी कम हो रहा है, विद्युत क्षेत्र भी कम हो रहा है, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। स्थिर वैद्युतकी में धारिता ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें माध्यम लगाने से उसका मान बढ़ता है, बाकी सभी में चाहे बल हो विद्युत बल उसमें माध्यम लगाने से दोनों बिंदुओं आवेशों के मध्य बल का मान कम हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में भी माध्यम लगाने से बल का मान विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है, और विभव में भी माध्यम लगाने से
कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विद्युत धारिता में मात्रा लगाने से क्या होगा, विद्युत धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि वह जो हमारे पास मान आया है, इस मान को हम इस तरह से एक संबंध के द्वारा भी लिख सकते हैं, और वो संबंध लिख देते हैं इसमें, ठीक है। प्रवृत्ति के रूप में अगर लिखें तो प्रवृत्ति के रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक हम सिंबल यूज करते हैं जाई, इसको बोलते हैं जाई, ये है विद्युत प्रवृत्ति। क्या बोली जाती है बेटा, विद्युत प्रवृत्ति, ये आपकी बोली जाती है विद्युत प्रवृत्ति। तो इसको विद्युत प्रवृत्ति के रूप में अगर अपन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको विद्युत प्रवृत्ति के लिए हम लिख सकते हैं इसमें कि जो आपके पास है ये वाला जो मान है, और इस वाले समीकरण से ये दोनों से आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट ये वाला, और इसको लिख देते हैं हम एंड माइनस P अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा P को हमने क्या नाम दे दिया, P। देखो कुछ नहीं किया, जो यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो था वो तो E और E नॉट है, और सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसको हमने क्या लिख दिया, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं P को, P का जो मान है वो आपको ध्यान रखना है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट E, पहले सिंबल लगा देते हैं जाई E, ठीक है। ये जो P है जो जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय प्रवृत्ति या ध्रुवीय जो कांस्टेंट बोलेंगे बेटा ध्रुवीय घनत्व, ठीक है। तो ध्रुवीय घनत्व जो है इसका मान होता है जो एप्सिलॉन जीरो जाई ई। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे ध्रुवीय घनत्व जो है इसका ट्वेल्थ में ज्यादा कुछ दे नहीं रखा हमें कि ये कहाँ से आया, बस ध्यान रखना है कि जो इसका मान है वो ये होता है, ठीक है। वैसे तो आप चाहो तो इस पी का जो मान है मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो इस सूत्र को अगर अपन देखें तो पी इंटू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जाई ई, ठीक है। इसका मतलब पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, पी के। प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति जाई, ठीक है, और फिर पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह से यहां से अगर वैल्यू रखेंगे तो ई इज इक्वल टू आपके पास आएगा ई नॉट, और यहां से पी की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट जाए ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। अच्छा तो यहां से क्या जाएगा बेटा, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट, और यहां से आएगा जाई ई, क्लियर है। इसको जाई को इधर लेके आएंगे फिर प्लस में आएगा तो आ जाएगा आपके पास ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस जाई ई। क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन है ई, तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस जाई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू वन प्लस जाई। एक रिलेशन आ गया आपके पास, जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो रेशियो है वो आपके पास आता है वन प्लस जाई, और जाई क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं विद्युत की प्रवृत्ति, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, अगर आप चाहो तो आगे इसको सॉल्व करें तो इसको एक नया कांस्टेंट दे देते हैं ई अपॉन ई को, और वो कांस्टेंट है की, तो आपके पास आ जाएगा के इज इक्वल टू वन प्लस जाई ई, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, एक बार पॉज करके इसको अच्छे से पॉज कर लीजिए और समझ लीजिए, रिवाइज करवा देता हूं फटाफट। हम जैसे ही प्लेटों के मध्य कोई भी अध्रुवीय पदार्थ रखते हैं तो वो ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित होगा यानी कि ध्रुवित का मतलब माइनस और प्लस जो आवेश है उनके द्रव्यमान केंद्र टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे जो सकेंद्रीय थे, और
इसका जो माध्यम इसका माइनस आवेश इधर आ जाएगा सारा, और इस प्लेट पे माइनस आवेश है तो ये प्लस आवेश को आकर्षित कर लेंगे, इसलिए जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वो तो ई नॉट इधर थी, और जो आपका ध्रुवीय पदार्थ है उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और परिणामी के लिए मैंने बता दिया कि दोनों विपरीत दिशा में है तो घट जाते हैं, घटा दिया और फिर इसको हल कर लिया। और इस तरह से कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस इतना कुछ टर्म्स आई हैं उनको अलग से याद कर लेंगे। जाई क्या है? विद्युत प्रवृत्ति। जाई क्या है? विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, एक पी सिंबल आया है और पी की वैल्यू आपके पास आई है, इसको याद रखना है। पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परिणामी विद्युत क्षेत्र। और पी क्या है? जो भी हमने ध्रुवीय पदार्थ लगाया है उसके लिए कॉन्स्टेंट। इस तरह, ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, कमेंट करके आप, आपको इस टॉपिक में सबसे अच्छा क्या लगा वो जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे देखो सारे टॉपिक जो है ट्वेल्थ के वो मैं इस पे डालने वाला हूँ, सारे प्रैक्टिकल आपके आने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जब भी मैं वीडियो इसमें अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी।